हेलो बच्चों, तो 7 फरवरी के एग्जाम के लिए हम आपके सामने लेके आ चुके हैं 50 गेस क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, 50 ऐसे क्वेश्चंस जो निश्चित रूप से कल के पेपर में आपसे पूछा जाएगा, यानी 7 फरवरी वाले सवाल में आपसे ये पूछे जाएंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्तों के पास, और आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने जो बार बार पूछा गया सवाल है, कहता है सिपाही की माँ एक विदाई। प्यारे विद्यार्थियों, सिपाही की माँ एक विदाई, ये जो सवाल है कई बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, और कल वाले यानी 7 फरवरी के एग्जाम में भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो सिपाही की माँ जो है, याद रखिएगा, एक प्रकार का क्या है, एकांकी है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रकार का एकांकी। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगाइएगा। काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे जन्म आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ पे हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है, कानपुर में, जबलपुर में, वाराणसी, सीतापुर। प्यारे साथियों, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, बिल्कुल वाराणसी में हुआ था। काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए, और 7 फरवरी के लिए महा MBBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जी हाँ, 7 फरवरी में ये सवाल आपसे निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। जी हाँ, जूठन शीर्षक आत्मकथा का लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, मलयज है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उदय प्रकाश है। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक जो है, याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जी हाँ प्यारे साथियों, ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के क्या है, लेखक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी राइट होगा। और काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, महा MBBI ऑब्जेक्टिव है कल के एग्जाम 7 फरवरी के लिए। जी हाँ, 7 फरवरी के लिए ये सवाल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि याद रखिएगा। अगला सवाल है, कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है, मोहन राकेश है, मलयज है, भगत सिंह है, प्रेमचंद्र है। तो याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है प्यारे विद्यार्थियों, ये है भगत सिंह, ठीक है। लेकिन हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल भी नहीं है, मलयज है। क्या है, मलयज है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मोहन राकेश आपको पता ही है प्यारे विद्यार्थियों, किसके लेखक है, तिरिच का है या किसका है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूठन किस विधा की रचना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसे हम महा MBBI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महा MBBI बोलते हैं। 7 फरवरी में प्यार विद्यार्थियों ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो जूठन किस विधा की रचना है प्यार विद्यार्थियों, जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है। क्या है, एक प्रकार का आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जूठन एक किस प्रकार की विधा है, तो यहाँ पे आत्मकथा, याद रखिएगा, कल के पेपर यानी 7 फरवरी के पेपर में निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, प्रगति और समाज साहित्य किस विधा की रचना है, प्रगति और समाज साहित्य जो है किस विधा की रचना है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रगति और समाज जो है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, आलोचनात्मक निबंध है। क्या है, एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है। क्या है, प्रगति और समाज आलोचनात्मक निबंध है। आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ए क्या होगा इस प्रश्न के लिए, राइट होगा। क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उसने कहा था का रचना वर्ष क्या है। काफी बार पूछा गया, सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाएगा इसका मुख्य पात्र कौन है प्यारे विद्यार्थियों, उसने कहा था का मुख्य पात्र। जी हाँ, मुख्य पात्र अगर पूछा जाएगा तो लहना सिंह है। कौन है, लहना सिंह, क्या है इनका मुख्य पात्र है, लहना सिंह के राइफल का नंबर पूछा जाएगा, 77 होता है। कहाँ रहता था, तो ये अपने मामा के यहाँ रहता था। कहाँ इनका मामा के घर है, तो अमृतसर, याद रखिएगा, लहना सिंह के मामा का घर है। प्रियंका से कौन कौन सा सवाल करता था, ये भी याद रखिएगा कि तेरी कुर्माई हो गई। कौन सा प्रश्न पूछा था, तेरी कुर्माई हो गई। तो कुर्माई का यहाँ पे अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है, मंगनी होता है, ये भी याद रखिएगा। काफी जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे चार्ट के बदौलत बताया है, सभी जो है कल के पेपर के लिए महा MBBI होने वाला है। तो उसने कहा था किस प्रकार की रचना है, 1915, यहाँ पे याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, 1915। जायसी का जन्म स्थान बताइए, जायसी का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो जायसी का आपको पता है जायस नगर है। कहाँ पे है, जायस नगर। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, जायस नगर है। काफी MBBI है, मैंने बार बार जिक्र किया हूं कि कल वाले पेपर में निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, साहित्य लहरी के रचनाकार यहाँ पे आपसे पूछा गया है। जब प्यारे साथियों साहित्य लहरी के रचनाकार पूछा गया, तो बताने का प्रयास कीजिएगा, क्या है, जायसी है, सूरदास है, अग्रदास है, कबीर है। तो साहित्य लहरी के जो रचनाकार है यहाँ पे कौन है, सूरदास है। कौन है, सूरदास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी राइट होगा। आंसर क्या होगा, बी मारिएगा और गोला को पूरी तरह से फिल करके आइएगा कल वाले एग्जाम में, सूरदास यहाँ पे याद रखिएगा। अगला सवाल, नाभादास किसके शिष्य थे।
नावादास किसके शिष्य थे प्यारे विद्यार्थियों, तो नावादास किसके शिष्य थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी अग्रदास की। अग्रदास के नावादास क्या थे, शिष्य थे। काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए आज की क्लास में फाइनल आपके लिए लाया गया और कल के क्वेश्चंस में सेम टू सेम आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। चलिए, सर्यामन ताल का जल कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों, सर्यामन ताल का जो यहाँ पे जल है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा स्थिर होता है। कैसा होता है, स्थिर होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिए गए। आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ए राइट होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा और काफी बार पूछे गए सवाल है। चित्रलेखा किसकी कृति है प्यारे विद्यार्थियों, चित्रलेखा किसकी कृति है बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चित्रलेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। सी क्या होगा इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। काफी बार पूछे गए सवाल है और याद रखिएगा चित्रलेखा किसकी कृति है, मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार आपसे पूछा गया है, तो तुलसीदास है, नावादास है, अग्रदास है, कबीर है। कवितावली की रचना जो याद रखिएगा तुलसीदास है। कौन है, तुलसीदास कौन है, यहाँ पे कवितावली की रचना है। आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। जी हाँ, कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार आपसे पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद। कौन है प्यारे विद्यार्थी, जयशंकर प्रसाद कौन है, कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार है। काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, महा एमबीबीआई क्वेश्चन से आपके फाइनल एग्जाम के लिए। चलिए, कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। प्यारे साथियों, बातचीत के रचनाकार है, तो आप याद रखिएगा किसके, बातचीत के क्या है, रचनाकार है कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। इसके माध्यम से आपको बातचीत की शैली पता चलती है, ये भी याद रखिएगा। क्या बातचीत की क्या चलती है, यहाँ पे शैली पता चलती है कि बातचीत कैसे की जाती है, याद रखिएगा। असल बातचीत आपसे पूछा जाता है, असल यहाँ पे बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, तो हमेशा दो लोगों के बीच होती है। एडिशन का ये विचार है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है, याद रखिएगा यहाँ पे भारतेंदु युग के है। एक प्रकार के ये क्या है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है, यहाँ पे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एक प्रकार का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भारतेंदु युग बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, शिक्षा शिक्षक निबंध के रचनाकार बताइए, रचनाकार का नाम पूछा गया है, फटाफट से आंसर बताने का प्रयास आप लोग करेंगे। जी हाँ, आंसर सभी का आना चाहिए। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के जो रचनाकार है, जय कृष्णमूर्ति है। कौन है, जय कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी जो होगा राइट आंसर होगा। और कल के पेपर के लिए एमवीआई क्वेश्चन यानी महा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कहता है पुराण शब्द का विशेषण कौन है, प्यारे विद्यार्थी तो पुराण शब्द का यहाँ पे विशेषण पूछा जा रहा है, तो पौराणिक होता है। क्या होता है, पौराणिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट होगा। सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। रट्टा मार लीजिए फटाफट से, मात्र 24 घंटे के अंतर आपको एग्जाम को फोड़ कर रहना है, याद रखिएगा। अगला सवाल की बात कर ले हम लोग, कहता है कारक के कितने भेद है, प्यारे विद्यार्थी कारक यहाँ पे कितने भेद है। जी हाँ, कारक के भेद पूछा जा रहा है, भेद कारक का बताइए। तो कारक का जो भेद है, टोटल के टोटल 8 भेद है। कितने भेद है, 8 भेद है, याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से कर, ये जितने भी होता है प्यारे विद्यार्थी 8 भेद होते हैं। अगला सवाल कहता है 19 नंबर सवाल है प्यारे विद्यार्थियों की, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसने दीक्षा लिया है प्यारे विद्यार्थियों गुरु से, तो गुरु से जो दीक्षा लिया है उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, दीक्षित। क्या इस्तेमाल करते हैं, दीक्षित इस्तेमाल करते हैं। और वीवीआई सवाल नहीं, एमवीवीआई सवाल है कल के पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है कि चमक शब्द में कौन सा लिंग है। चमक शब्द में प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है और कल के एग्जाम के लिए फोड़ने वाला क्या है, फोड़ने वाला क्वेश्चन है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा और फोड़ कराइएगा। तो बात करें चमक शब्द में कौन सा लिंग है, तो ये प्रकार का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, फीमेल शब्द है। क्या है, फीमेल है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, टाइम कम है, क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आपको महा एमबीबीआई कराना है, जो 7 फरवरी, जी हाँ 7 फरवरी को यहाँ पे फोड़ के आने वाला क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों महा एमबीबीआई क्वेश्चन है। तो बात करें यहाँ पे दिवाली शब्द की, दिवाली जो है एक प्रकार का क्या है, व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ज्यादा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो यथेष्ट का संधि विच्छेद यथा जो इष्ट होता है। क्या होता है, यथा जो इष्ट। यथेष्ट का संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उपसर्ग से एक पूछा जाएगा, प्रत्यय से एक पूछा जाएगा, और इससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से। 40 प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके बुक से आते हैं। 40 प्रश्न कहाँ से आते हैं, बुक से आते हैं। और 60 प्रश्न क्या होते हैं,
हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि किसके जादू टूटता है। प्यारे साथियों, किसका जादू टूटता है ये पूछा गया आपसे, बताने का प्रयास कीजिएगा फटाफट से। तो जादू जो है यहाँ पे याद रखिएगा, किसका जादू टूट जाता है, उषा का। किसका, उषा का जादू क्या होता है, टूट जाता है जब सूर्य निकलता है। सूर्य निकलता है तो यहाँ पे उषा का जादू टूट जाता है, नेचुरल ये कहानी है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कहता है नीलगाय शब्द में कौन सा समास है। तो नीलगाय शब्द में आपसे समास यहाँ पे पूछा गया है, बताने का प्रयास कीजिएगा। नीलगाय शब्द में जो प्यारे साथियों समास होता है वो क्या होता है, कर्मधारय होता है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय होता है। महा MBBI क्वेश्चन से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल है कि नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नकलची, ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है क्या, नकलची। नकलची में आपसे यहाँ पे शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो उपसर्ग पहले वाला होता है, बाद में क्या होता है, प्रत्यय। तो ची, नकल यहाँ पे एक शब्द निकल गया प्यारे विद्यार्थियों, नकल क्या निकल गया, एक शब्द निकल गया और ची बाहर हो गया। तो नकलची में ची जो होगा ये क्या होगा, स्पर्श निकलिए, प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। काफी बड़ी सवाल पूछे भी गए हैं। चलिए, उसने कहा था कहानी के नायक नाम बताइए, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो ये लहना सिंह है। जैसा कि हमने बताया, सारी व्याख्या इसके बारे में हमने किया। राइफल का नंबर 77, कौन से पद जमादार के पद पर था, कौन से पद पर था प्यार विद्यार्थियों, जमादार के पद पर था। जर्मन लप्टन को मार गिराया था, किसको, जर्मन लप्टन को, यहाँ पे लप्टन, जर्मन लप्टन को क्या किया था, मार गिराया था, याद रखिएगा। और उन्हीं के मतलब वर्दी पहन के इन्हीं के सैनिक में शामिल हो गए थे और इन्हीं को मारने का प्रयास कर लेते हैं, लेकिन लहना सिंह ने जर्मन लप्टन को यहाँ पे मार गिराया था, याद रखिएगा। जर्मनी के साथ क्या हुआ था यहाँ पे फिर विद्यार्थियों, जर्मनी के साथ लड़ाई हुआ था। चलिए, तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया, फिर विद्यार्थियों बताइए। अभी तो हमने इस क्वेश्चन का जवाब बताया, महा MBBI ये बताइए तो जरा कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। तो जैसा कि हमने आपको बताया प्यारे विद्यार्थियों, जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने अपने बंदूक के पीछे वाले भाग से मार गिराया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल साथियों कि कुड़ियो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कुड़ियों का अर्थ होता है कूड़ा फेंकने की जगह या घूरा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट होगा। काफी महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं, कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। प्यारे साथियों, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, आपको पता है काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन आंसर जो है ये काफी बार पूछा गया है। तो ये जो है बरल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ है। चलिए, कहता है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह यहाँ पे पोता पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ, पोता किसका था। तो ये जो है इनके सुखदेव सिंह त्यागी जो है इनके बाबा थे सुरेंद्र सिंह के। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कल के एग्जाम यानी 7 फरवरी के एग्जाम के लिए महा MBBI क्वेश्चन आपके लिए साबित होगा। अगला सवाल कहता है किस पाठ में आया है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो आपको पता है रोज 3, 4, 11 बजता है। रोज क्या होता है, 3, 4, 11 बजता है। इसका मुख्य पात्र पूछा जाएगा मालती। मालती क्या है, रोज पाठ का मुख्य पात्र माना जाता है। और ये कहां से लिया गया प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी से लिया गया। कहां से, ऑप्शन नंबर डी से लिया गया है, बिल्कुल राइट, रोज से लिया गया। अगला सवाल, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताइए, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताइए। तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायज्ञ, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अज्ञ बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अज्ञ बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायज्ञ। कभी कभी इसका फुल नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर की ओर हम लोग फोकस करें तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अतिथि मालती को कहां से, अतिथि जो है मालती को यहां कैसे पहुंचा था। अतिथि जो मतलब लेखक जो है, अतिथि बनकर गए थे लेखक, तो ये मालती के यहां कैसे पहुंचा था, तो याद रखिएगा पैदल ही चला गया था। पुराने जमाना था, ना साइकिल था, ना घोड़ा था, कुछ नहीं था, तो पैदल क्या किया था, चला गया था। कैसे गया था, पैदल गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किसके करों की मोती तारों की तरह चमकती है, किसके करों की मोती जो है तारों की तरह चमकती है। तो ये तारों की मोती ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात ही करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम पूछा गया है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। मदर का नाम आपसे पूछा गया है मुन्नी और मानक का। तो मुन्नी और मानक, मानक तो आपको पता ही है सैनिक था, क्या था प्यारे विद्यार्थियों, सैनिक था, क्या था, सैनिक था और लड़ाई करने के लिए गया था। तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम जो अगर पूछा जाएगा तो बिसनी,
बिश्नी जो है इनकी माँ का नाम है और मुन्नी की बहन का नाम, सॉरी मानक की बहन का नाम भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो मुन्नी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? मुन्नी जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसके माँ का नाम जो दिया गया है वो सी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है सिपाही की माँ कौन है? प्यारे विद्यार्थियों सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ ये जो है बिशनदेई है। कौन है? बिशनदेई, जिसे हम बिश्नी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी राइट होगा। चलिए, जय कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम आपसे पूछा गया है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। अगर कोई सवाल आपसे लेखक के परिचय से पूछा जा रहा है, जी हाँ, लेखक के परिचय से अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से वो ज्यादा ही इंपोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जय कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम पूछा गया, तो पहले माता का नाम पूछा गया है, तो माता का नाम इसका है ऑप्शन नंबर ए में संजीवा और नारायण सिद्ध, ये इनके पिता का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति के पुस्तकों का नाम बताइए। जय कृष्णमूर्ति के पुस्तक का नाम बताइए, तो उनके जो पुस्तक है उपयुक्त सभी है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इन्हीं का है, द ओनली रिवॉल्यूशन भी इन्हीं का है, जय कृष्णमूर्ति नोटबुक इन्हीं का है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इंपॉर्टेंट होगा आपके फाइनल। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म याद रखिएगा 12 मई 1895, 12 मई 1895 को जय कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो स्वतंत्र रहना बिल्कुल आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो चुनौती के झेलने में क्या होता है, यहाँ पे सुरक्षा होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की लेखक प्रकार की रचना है? तो एक प्रकार के क्या है? डायरी साहित्य है। अगला सवाल कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक, तो मलिया जी, याद रखिएगा काफी MBBI क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कविता संग्रह है, कविता संग्रह क्या है? एक प्रकार का जख पर धूल है, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर सवाल कहता है अरेबा उदय प्रकाश कैसी कृति है? तो एक प्रकार की कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? बी में दिया गया है। क्या है? सॉरी, यहाँ पे क्या है? बी में दिया गया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिच किस प्रकार की रचना है? एक आधुनिक त्रासदी है। क्या है? आधुनिक त्रासदी है, बार बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो ये जो इनको मिला था प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल 1971 में मिला था। अगला सवाल की बात करें, शमशेर सिंह बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये देहरादून में हुआ था। कहाँ पे? देहरादून, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। कहता है अधिनायक से कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो आत्मा के विरुद्ध से लिया गया है। कहाँ से? आत्मा के विरुद्ध, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कहता है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, तो ऊषा है। प्यारे साथियों, ये 50 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे निश्चित रूप से, और इसे बार बार आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस को बारीकी से। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, खूब मजे से इसको तैयार कर लीजिए।